अस्सलाम वालेकुम सऊदी अरबिया से लाइफ में जी आपको, साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट मुकम्मल आपको मैं थोड़ी डिटेल भाई इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक के मामला हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया की यानी कि खोली तो नहीं गई है मैं आपको वीडियो के शुरू में ही इस चीज से अपडेट करता हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी तक नहीं खोली गई हैं और कोई भी बंदा आपको कोई किसी किस्म की डेट को दिन को तारीख कोई भी बता रखा है वो आपसे झूठ बोल रहा है साफ सीधी बात है जारत दाखिल की तरफ से सबसे पहले वजारत की तरफ से सऊदी अरबिया की है आप खुद से भाई इनका ट्विटर अकाउंट लाइक कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं वहां पर खुद से देख सकते हैं ऐसा कोई मुश्किल नहीं है वहां पर सबसे पहले अपडेट किया जाएगा उसके बाद ही तमाम तर तमा, तमाम तर चैनल वाले भाई आपको अपडेट करेंगे तो बात खुलने वाली तो क्लियर होगी कि कोई भी बंदा अगर आपसे कोई भी किसी किस्म की इसके मुतालिक डेट वगैरह की बात कर रहा है तो झूठ बोल रहा है तो अभी बात कर लेते हैं चाइनीज वैक्सीन के मुतलक और सऊदी अरेबिया में जब आएंगे उस टाइम क्वारंटाइन वगैरह के मुतल अगर आपने चाइनीज लगवाई हुई है फैदर लगवाई हुई है एस्ट्राजे लगवाई हुई है पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया में अगर आप आएंगे, आपको क्वारंटाइन वगैरह करना होगा नहीं करना होगा क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त की इस वक्त के मामलत क्या है मुझे उम्मीद है भाई मुझे क्या पूरी दुनिया को उम्मीद लगी हुई है खासकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको पता है जी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है और सऊदी गवर्नमेंट से बार बार अपील की जा रही है पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतलक बहुत से मामला सामने आ रखे बहुत सी कहानियां सामने आ रही है इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करता रहता हूं यानी कि आम बंदों की जो छुट्टी पर गए हुए थे तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले चाइना वैक्सीन के मुतल अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए चाइना वैक्सीन लगवाई हुई है पहले आपको पता पहले कभी मंजूर शुदा है कभी ना मंजूर है कभी आपको ये करना होगा कभी आपको वो करना होगा भाई जो क्लियर बात हो चुकी है ना अभी तक वो क्लियर करूंगा आपके साथ चाइना वैक्सीन की आपने यानी कि या वैक्सी की दोनों डोज लगवाई हुई है ठीक है जी सऊदी अरबिया ने एक्सेप्ट नहीं की है इसके मुताबिक आपको इलम है जी प्लस आपको सऊदी अरबिया ने बोला है बूस्टर लगाना होगा तो अभी पाकिस्तान में भाई बूस्टर की ऑप्शन ही नहीं थी यानी कि बूस्टर वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई ही नहीं जा रही थी और कल ही आपने ये भी न्यूज सुन ली होगी जी शेख साहब से ए, की तरफ से बयान दे दिया गया था एक एक शुरू कर देंगे तमाम जो भाई, आउट कंट्री सफर करना चाहते हैं तो है इस मामले को लेकर अभी बात कर लेते हैं यहां पर कंटाइन वगैरह के मुताल और एस्ट्राजेनिका और फैजर वगैरह के मुताल अगर आपने फैजर या लगाई हुई है अगर आपने चाइना की भी लगाई हुई है प्लस बूस्टर तो आपको क्या यहां पर कंटाइन करना होगा अभी तक के मामला के मुतालिक बिल्कुल नहीं करना होगा आपको पीसीआर टेस्ट और प्लस रैपिड पीसीआर टेस्ट जो एयरपोर्ट के ऊपर बाई वहां पर अर्जेंटली किया जाता है ये दोनों करवाने होंगे और आप सऊदी अरेबिया में आएंगे अगर आपने ये वैक्सीन जो मैंने आपको बता दी है लगवाई होंगी एयरपोर्ट पर उतरेंगे यहां पर आपका पीसीआर टेस्ट वगैरह रैपिड पीसीआर टेस्ट और हो सकता है हो सकता है मैं बोल रहा हूं यहां पर आपका पीसीआर टेस्ट यानी कि रैपिड पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर किया जाए और आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो जाए जो रही भाई कंटाइन वगैरह के बात जिन ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होगी चाइना की और जिन बंदों ने नहीं लगवाई होगी या एक लगवाई होगी फैजर वगैरह की या एस्ट्रादानी वगैरह की तो भाई उनको यहां पर कंटाइन करना होगा उसकी जो मुद्दत होगी वो सऊदी पे जब अपनी फ्लैट्स ओपन करेगा उस टाइम क्लियर करेगा भाई कि कर सात दिन रखेगा चौदह दिन रखेगा इक्कीस दिन रखेगा और इस दौरान आपका पीसीआर टेस्ट कितनी बार किया जाएगा आपसे पहले कितने डॉलर जमा किए जाएंगे कि उस वगैरह पर जो खर्चा होगा उस चीज को लेकर और एक चीज क्लियर कर दू आपको यहां पर भाई मैं कि जब भी फ्लैट्स ओपन होंगी सऊदी अरेबिया की और पूरी मुझे के भाई जैसा कि मैंने आपको बता दिया पूरी दुनिया को उम्मीद लगी हुई है कि सऊदी अरेबिया हो सकता है अगस्त में ही अपनी इंटरनेशनल फ्लैट बहाल कर दे खासकर पाकिस्तानी भाइयों के लिए तो भाई जब फ्लैट ओपन होंगी उस टाइम साथ में मुकम्मल शराय की डिटेल दे दी जाएगी कि आपको इन शराय के ऊपर अमल करना होगा सऊदी अरेबिया का सफर करने के लिए तो वो डिटेल आपके साथ उसी टाइम ही मैं क्या कोई भी बंदा शेयर कर सकता है उससे पहले भाई सिर्फ जो अभी तक के मामला हैं उनसे मैं आपको अपडेट कर रहा हूं जो अभी तक की सूरतयाल है आप भाई पाकिस्तान में रहते हुए अभी तक इन यानी कि ये वैक्सीन वगैरह की शराय तो कंप्लीट कर चुके हैं ये तो क्लियर बात है मुझे भी पता है बहुत से बंदे क्या बहुत ज्यादा बंदे भाई दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हैं बार बूस्टर के मुताल तो वो भी आपको एक हफ्ते के बाद लगना शुरू हो जाएगा अभी आप भाई बूस्टर लगवाएं और अपने आप को क्लियर करें जब फ्लैट्स ओपन होंगी ताकि आपको सऊदी अरेबिया में फिर क्वारंटाइन वगैरह नहीं करना पड़े